कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों का समय आप सभी के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है, सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुशी से आपका घर और परिवार एक साथ नाचेगा। दोस्त, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप अकेले में बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाले हैं, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप खुशी से बेहोश हो जाओगे। हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, लंगड़ा भी एक पैर पर नाचे, ना लग जाए तो फिर कहना। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में अब जो बड़ा बदलाव होने वाला है, किसी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, अब आप सभी का किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। अब आप सभी का भाग्य पहले से 1000 गुना ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाला है। दोस्तों, अगर एक शब्दों में कहें तो आप सभी का जीवन अब शेर की तरह दहाड़ करने वाली है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली वीडियो है। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किया अंत दर दीजिएगा। हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों में खुशी के आंसू ना आ जाएं तो कहना खुशी से आप आंसू रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, सच में यह खुशखबरी कुछ ऐसी है कि आपको रुला देगी। अब आपका मेहनत का फल मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके काम की, मेहनत की, भावनाओं की, हर एक चीज की कदर होने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचर में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया है जिनके कारण आप सभी के जीवन में यह घटना आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर हर हाल में होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस घटना को होने से रोक नहीं सकता, चाहे कोई अपना जान भी लगा दे, लेकिन यह चमत्कारी घटना आप सभी के जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर हर हाल में होकर रहेगा। दोस्तों, बस आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें, और जो बात आज के इस वीडियो में हम आप सभी को आगे बताने वाले हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यही बातें हैं जो आप सभी को राजा बनाएगा, यही बातें हैं जो आप सभी को करोड़पति बनाएगा। दोस्तों, इस कलयुग में पैसे की सबसे ज्यादा अहमियत है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब कोई इज्जत देंगे, वहीं इसके उपरांत आपके पास यदि पैसा नहीं है तो लोग आपको याद तक नहीं रखेंगे। इसीलिए दोस्तों, मौका अब आपके हाथ में है, इस मौके को हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दीजिएगा, और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारा यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन बदल जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहेगा। अगले 3 दिनों में ग्रहों का बना एक ऐसा महायोग जो आपको रातों रात पति करोड़पति बना देगा, दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में लाकर रख देगा। आप जो चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। बस इस सब को हासिल करने के लिए आपको करना होगा एक जरूरी काम, और वह जरूरी काम क्या है, आपको अपने घर लानी होगी। यह एक छोटी सी चीज, जी हां मित्रों, यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस एक चीज को अपने घर लेकर आए, और एक विशेष स्थान पर इसे पूरे विधि विधान के साथ रखते हैं। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपको जिसका अब तक आपकी वन सपना ही देखते रही है, जिसके लिए आप अब तक तड़पते रहे हैं, अब वह होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जयकारा बोलो, माता रानी का जगत, महामय मां संतोषी की जय बोल, माता की सिद्ध दरबार की जय बोल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे प्यारे दोस्तों, जून महीने का सबसे सुंदर और सब शक्तिशाली ग्रह योग होने जा रहा है। अगले 3 दिनों में इन 2 ग्रहों की युति आपके भाग्योदय का कारक बनेगी, बशर्ते कि आपको भी कुछ तैयारियां करनी होगी। बिना आपके प्रयासों की आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपने सुन रखा है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के काबिल होता है। यानी पहला कदम आप उठाएं, दूसरा कदम भगवान आपकी तरफ उठाएंगे और आपके सौभाग्य का निर्माण करेंगे। तो कौन सी है वह एक चीज और किन ग्रहों की युति आपके भाग्योदय का कारण बनने जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की, इस एक चीज के उपयोग का नियम क्या है, विधान क्या है, और इसी घर में किस स्थान पर कैसे लाकर रखना है,
सारी बातें आपको हम विस्तार से बता नहीं जा रही हैं। यार ई मित्र, इस ज्योतिष कार्यक्रम को समय रहते पूरा देख लेना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब तक का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को मिस कर दिया, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठेंगे। जी हां, प्यारे मित्र हो तो आपको बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से पूरा देखना है, और जो बातें इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बता नहीं जा रहे हैं, उन बातों को समझते हुए अपने जीवन में बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सुख घड़ियों की शुरुआत होती है। याद रखना मित्रों, भगवान जब देने वाले होते हैं तो फिर छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये कहावतें असल में कहावतें नहीं हैं, लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं जो उन्होंने कहा वो तो के तौर पर उतार दिए हैं। अब एक बात यहां पर याद रखना मित्र हो, कि भगवान जब आपको कुछ देना चाहेंगे तो किसी ना किसी चीज को माध्यम बनाएंगे, किसी इंसान को माध्यम बनाएंगे। कोई काम धंधा कारोबार या किसी प्रकार का लेन देन कैसे भी करके किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आपकी मदद करेंगे, और इन सब माध्यमों को बनाने के लिए ग्रहों के विशेष, लोगों का भी निर्माण भगवान की आज्ञा से ही होता है। तो मित्रों, भगवान की मर्जी को स्वीकार करते हैं और चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि हम और आप मिलकर माता रानी का आभार व्यक्त करें, क्योंकि याद रखना माता रानी की आज्ञा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर हम और आपकी तो हैसियत ही क्या है, हम तो बहुत छोटे बालक की समान हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ बिल्कुल छोटे बालक की भांति याद करते हुए माता रानी को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां संतोषी कृपा करो। एक बार नहीं, तीन बार लिखना, आपका यह निवेदन अनुरोध माता रानी तक अवश्य पहुंचेगा और उनकी पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी, और आने वाले अगले तीन दिन आपके जीवन में बड़े ही क्रांतिकारी होने वाले हैं। प्यारे मित्रों, यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रही हैं तो इसी आप माता रानी की कृपा ही माने कि उन्होंने आपके सामने यह ज्योतिष कार्यक्रम प्रस्तुत किया है कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को समय रहते देख सकें और ज्योतिष कार्यक्रम में बताएं कि बातों से लाभ लेकर जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। या मित्रों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। अक्सर ऐसा होता है, इस समय समय पर हम छोटे मोटे पूजा पाठ अनुष्ठान धाम पर करवाते रहते हैं, और यदि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो फिर जो पूजा पाठ अनुष्ठान का प्रतिफल होता है वह कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर आपको भी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। माता की कृपा की कोई मां तो है नहीं, तो जब आप परिवार के सदस्य बन जाएंगे तो फिर परिवार में होने वाली किसी भी कार्य का आपको भी निश्चित फल प्राप्त होगा ही होगा। तो चलिए पहले मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि ग्रहों की तो अपनी विशेष ऊर्जा होती ही होती है, लेकिन इन चीजों की भी अपनी खास ऊर्जा होती है। तो कभी कभी आपने यह देखा होगा, इस ज्योतिष शास्त्र लोगों को सलाह देते हैं कि आप यह इस नाम का रत्न पहन ले, रुद्राक्ष पहन ले, तुलसी की माला पहने या फिर कमल घट्टे आदि को अपने पास रखना शुरू कर दें। ज्योतिष में इन सब चीजों के बारे में इसलिए बताया जाता है क्योंकि ज्योतिष हमारी ग्रहों की चाल पर ही आधारित है, ग्रहों को अच्छी तरह से समझता है और समझाता है, तो जो चीजें हैं विक्रम की ऊर्जा को अनुकूल बनाने के काम आती है, क्योंकि उनकी एक विशेष ऊर्जा है जो ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल करके आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकती है। जैसे यदि शनि के दुष्प्रभाव आपके ऊपर है, आप परेशान हैं, सही से पीड़ित चल रही है, तो आपको नीलम बताया जाएगा, आप इस रत्न को धारण करें, आपके लिए अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे। अलग अलग प्रकार की चीजों को घर के विशेष स्थानों में रखना, सभी ग्रहों की ओर जाएं, प्रबल होती है, आकर्षित होती हैं और जीवन में क्रांतिकारी परिणाम लेकर आती हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना मित्र, इंसान के जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है उन सब में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब से इंसान पैदा होता है और मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता,
तब तक वह ग्रहों की चाल के बंधन में बंधा रहता है। जो ज्योतिष नहीं समझते हो भी यह तो मानेंगे ही कि इंसान दिन रात और समय घंटे मिनट आदि के चक्कर में पड़ा रहता है, इनके जाल में फंसा रहता है और यह सब जीतो ग्रहों पर ही आधारित है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो वह एक दिन बन जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है तो वह एक चंद्रमास बन जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो वह एक वर्ष बन जाता है। तो हमारे जीवन की हर एक करना आखिर ग्रहों की चाल पर ही तो निर्भर करती है। तो ग्रहों की शक्ति से हम कैसे अछूते रह सकते हैं? तो प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल होने जा रही है। अगले 3 दिनों में 2 बड़े ग्रह इनमें से पूछो कि व्यापार, काम धंधे, बुद्धि और पानी के कारक ग्रह है कि आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और इन्हीं के साथ साथ राहु एक विशेष युति का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो राहु का नाम सुनकर लोग अक्सर डर ही जाते हैं, क्योंकि राहु असल में एक क्रूर ग्रह है। लेकिन आपको हम बता दें कि राहु वैसे तो नकारात्मक होते हैं, लेकिन यदि बुध के साथ ही बना लेते हैं तो बड़े ही लाभदायक होते हैं, आकस्मिक बड़े लाभ दिलवाने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। अब एक बात और समझिए, आपके यहां पर राहु का अपना विशेष कोई भी प्रभाव नहीं होता है। राहुल जिस भी भाव में होती हैं, जिस विग्रह के साथ होते हैं, उसके प्रभाव को कई गुना, सैकड़ों हजारों गुना बढ़ा देते हैं। अब यदि राहु नकारात्मक भाव में गोचर करेंगे तो नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे, आपके जीवन में आपको परेशान करेंगे। यदि लाभ भाव में गोचर करेंगे, किसी शुभ ग्रह के साथ गोचर करेंगे, तो वे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कारी शुभ घड़ियों को आकर्षित करेंगे। इसीलिए कहावतें बनी हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाना है। अब रातों रात करोड़पति बनने से मतलब है कि व्यापार में अचानक से इतनी उन्नति हो जाना कि कुछ ही दिनों में इंसान की कायाकल्प हो जाती है। इसे ही तो रातों रात करोड़पति लखपति बन जाना कहते हैं। अब यह क्यों होता है जब राहु सकारात्मक होती है? याद रखना, अगर एक बार राहुल ने आपके जीवन में शुभ परिणाम देना शुरू कर दिया तो वह आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना सकता है। यही होता है जब राहु नकारात्मक होती है तो आपको रातों रात भिखारी तक बना सकती है। राहु अत्यंत क्रूर ग्रह है, लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध राहु के बहुत अच्छे मित्र हैं, और बुध के साथ राहु का जो विशेष यूपी का निर्माण हो रहा है आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसकी आपको विशेष तौर पर 3 लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ कि आप काम धंधा व्यापार जो भी करते हैं उसमें आपको जबरदस्त था कि मुनाफा और उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार को बढ़ाने की आपको बड़ी अवसर, विशेष अवसर हासिल होंगे। कोई बड़ी पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, पूरी बढ़ा फंड ज्यादा पैसा निवेश कर सकता है आपकी व्यापार में, या आपको ही विशेष रूप से व्यापार को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपको व्यापार में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। 3 दिनों के अंदर ही ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आने वाले समय में आपका बिजनेस लाखों करोड़ों का हो जाएगा। जी, हमें तो व्यापार की उन्नति होगी। दूसरा कि आपके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होंगी, के भी कारक ग्रह हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे भी आपके व्यापार से जुड़े हों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हों, परिवार से जुड़े हुए हों, आपके निर्णय बिल्कुल शुद्ध और साथ में खो गए और बेहद ही शुभ फलदायक होंगे। जी, हमें तो अब बात करती है तीसरे लाभ की। तो तीसरा लाभ आपका यह रहेगा कि आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप जो भी बातचीत से भी बोलेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, उसे याद रखेंगे, आपके सत्र भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। एक शब्द आपने यदि उनके खिलाफ कह दिया तो भी तुरंत आपके सामने पिघल जाएंगे। आपके पैरों पर गिर पड़े गीत पानी में बहुत अधिक बल होता है। आप शब्दों की ताकत को कम नहीं आंक सकते हैं। शब्दों की ताकत की वजह से ही तो महाभारत का युद्ध हुआ। जब पांचाली ने दुर्योधन से कहा कि अंधी का बेटा अंधा, बस इतनी सी शब्द से दुर्योधन को इतना क्रोध आया कि पूरा का पूरा महाभारत हो गया। और शिशुपाल के द्वारा की गई गालियां भी तो आखिर शब्द ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना आपा खो दिया, और उसके ऊपर गालियां जैसे ही हुई वैसे ही शीशपाल का सिर काट दिया। तो शब्दों की ताकत बहुत अधिक होती है। अब आप कुछ शब्दों की सकारा शक्ति का एहसास होगा,
आने वाले समय में आप जो भी बात बोलेगी वह सत्य होती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां, उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। अब उठ चुकी व्यापार का कारक ग्रह है। तू जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए तो यह समय बहुत अधिक लाभदायक होगा। लेकिन बुद्धि और वाणी के कारक भी है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी इस गोचर का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी बातों से उनके उच्च अधिकारी उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि जो भी फैसले लेंगे अपने काम, आज मैं उनसे, उनके उच्च अधिकारी और उनके सहकर्मी सभी प्रसन्न रहेंगे। उनके कार्यस्थल पर उनका वर्चस्व पड़ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर एक ही बात निश्चित है कि आपकी आने वाले समय में जल्द से जल्द पदोन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो यह तो बातें हुई प्यारे मित्रों की, आपको आने वाले ग्रह गोचर का, ग्रहों की, इस विशेष यूपी का क्या लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन यह लाभ बिल्कुल शून्य हो जाएगा यदि आपने इन चीजों को अपने जीवन में शामिल नहीं किया, जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए आप समझ गए कि फिर चाहे भगवान की कृपा हो या ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव, खास तौर से सकारात्मक प्रभाव हो, सब कुछ आपके पास नहीं पहुंच सकता जब तक कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहेगा। जी, हमें तो अब नकारात्मक ऊर्जा को आप बिल्कुल भी हल्के में ना जाने। नकारात्मक ऊर्जा तो इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि यह अच्छे खासे हरे भरे पेड़ को भी सिखा सकती है, नई बनी हुई बिल्डिंग में भी दरार ला सकती है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है। नकारात्मक शक्ति बहुत भयानक होती है। छोटी सी नजर से लेकर किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया तक हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति कपूर बहुत बुरा होता है और कष्टदायक होता है। प्यारे मित्रों, हमने जितना आपकी राशि का आकलन किया है, जितना आपके जीवन को समझा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत कम ही समय ऐसा रहा है जब आप नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित ना होंगे। हो, हर समय हर वक्त आप किसी न किसी प्रकार की छोटी या बड़ी नकारात्मक शक्ति से गिरे रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में केवल और केवल परेशानियां ही परेशानियां एक के बाद एक आती रहती हैं। अब वैसे तो परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती ही हैं। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा क्योंकि परेशानी हो, लेकिन दूसरों की परेशानी और आपकी परेशानी में अंतर है। जहां दूसरों के जीवन में परेशानियां आती हैं तो वे अपने साथ साथ समाधान भी लेकर आती हैं। कहीं ना कहीं से उनको मदद मिलती है और भी परेशानी से बाहर आ जाते हैं, फिर सुखमय जीवन जीते हैं। यानी एक परेशानी आई, उसका समाधान निकल गया, उसके बाद उनका जीवन अच्छा हो गया। फिर लंबे समय बाद कभी फिर परेशानी आएगी तो फिर से यही होगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में एक परेशानी आएगी तो वह ऐसी होगी कि उसका कोई समाधान ही नहीं मिलेगा। आप केवल और केवल उस परेशानी में रह जाएंगे। आपका जीवन नरक बन जाएगा। और मान लूं कि कुछ समय के बाद जब कष्ट भोग लिए परेशान हो गए और उस परेशानी से समाधान मिल भी गया, क्योंकि समय हर एक चीज का इलाज कर देता है, बड़ी से बड़ी कष्ट और परेशानी का भी समाधान निकाल ही देता है, तो जब समाधान निकल जाएगा तो फिर से एक नई परेशानी आ जाएगी। हर तरफ से एक के बाद एक परेशानियां आएंगे। एक के बाद एक आ रही परेशानियों से जीवन नरक के समान हो जाएगा। तो दूसरों की परेशानी और आपकी परेशानी में बस यही एक फर्क है कि आपकी परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है। अब यहां पर प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि कुछ परेशानियां तो ऐसी भी हैं जो कि आपके खुद के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। आपकी नादानियां से, आपकी गलतियों की वजह से आपकी ओर आकर्षित हुई हैं, क्योंकि आप बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं। आप कोई भी राज अपने दिल में छुपा कर नहीं रखते हैं, हर बात का खुलेआम बखान कर देते हैं। फिर लोग जो आपसे जलने वाले हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, और या तो फिर आपके लिए मन ही मन उल्टी सीधी भावनाएं निकालते हैं जिनका कि आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। नजर आदि से आप पीड़ित हो जाते हैं। और कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो लोग जानबूझकर आपके जीवन में लेकर आते हैं। जी, हमें तो परेशानियां हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक। प्रिय मित्रों, आप माने या ना माने, अपने जीवन को उठाकर देखिए आपके जीवन में कितने दुख आए हैं,
उसके मुकाबले सुख की घड़ियां कितनी हैं, वही कम था न के बराबर। आपने अब तक जो अपना जीवन जिया है, उस जीवन में आपने धोखा, अपमान, परेशानी, कष्ट, शारीरिक संघर्ष, बीमारियां और बेचैनी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया है। हालांकि आपने दूसरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और लोगों में कई प्रकार की खुशियां आपने लाकर दी हैं, लेकिन आपके नसीब में कुछ भी नहीं। आप जहां के तहां हैं, लोगों के बुरे भी हैं, लोगों के लिए आपने अपने जीवन को कुर्बान भी किया, तब भी उनसे आप अच्छाई ना ले पाए, उल्टा आपको तमाम तरह की बुराइयां ही मिल गई हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह बातें पुरानी हैं। हम तो यह बातें केवल आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि आपको अब जाग जाना है, अब स्वयं के बारे में सोचना है। यह दुनियादारी संसार जो है, इसे अपने हाल पर चलने दो। आप अपने बारे में सोचो। आपने इन सब के बारे में बहुत सोच लिया, अब आपकी अपने जीवन को बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में उठानी है। क्योंकि जब मुसीबत आपके ऊपर आती है, तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। आपकी बुद्धि, आपका पल, आपका सामर्थ्य ही आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल कर लाता है। तू चली मित्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में। तो क्या भेजते हो, तो ध्यान से सुनिए। हम दो चीजें आपको बताएंगे जिनमें की एक चीज होगी और दूसरा यंत्र होगा। ये मित्रों बहुत ही विशेष जानकारी है, और 3 दिनों तक इन चीजों को आपको अपने पास ही रखना होगा। हर हालत में एक चीज को अपने घर में और एक चीज को अपनी जेब में हमेशा के लिए। फिर आप देखिए, आप चाहे तो इसे आप आगे भी रख सकते हैं, लेकिन आने वाले 3 दिनों तक विशेष तौर पर इसे अपने पास रखना होगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है लोहे की घोड़े की नाल। मित्रों, वैसे तो आजकल बाजार में तमाम तरीके किनारे बिकने लगी है, क्योंकि यह बाजार है, लोग कुछ भी कर सकती हैं। तो हमने देखा कि फाइबर की प्लास्टिक की बनी हुई नाल भी बाजार में मिल रही है। लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या यह नाला सकते हैं, तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई माल नहीं ला सकते हैं। नहाल केवल घोड़े की और लोहे की होनी चाहिए। अगर घोड़े की उतरी हुई नाल मिल जाए सर्वोत्तम होगी। तो सबसे पहली चीज की घोड़े की नाल। अब यह नाल क्यों? तू घोड़े की नाल का सीधा संबंध राहु से होता है, और आपको राहु के सारे शुभ परिणाम चाहिए जो कि राहु आपको देने ही वाले हैं। तो ऐसे में आप हो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच ऊपर की ओर घोड़े की नाल को लगा देना है, वह भी बाहर की ओर, यानी हर आते जाते इंसान को वह घोड़े की नाल जानी चाहिए, ठीक सामने होनी चाहिए। यह घोड़े की नाल आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक को प्रवेश नहीं होने देगी, क्योंकि यही होता चला आया है। जब जब आपके जीवन में खुशियां आई हैं, प्रकाश आया है, आनंद की अनुभूति आई है, और आपके जीवन की हर खुशी को दूसरा प्यारे मित्रों की लोहे की यह नाल आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे, तो मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है वहां पर राहु का स्थान होता है, तो आप राहु के स्थान पर ही रह विस्थापित कर देंगे। इस साहू बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बहुत अधिक शुभ परिणाम देंगे। तो यह तो हो गई राहु ग्रह को प्रसन्न करने वाली बात। अब दूसरी चीज है एक यंत्र। आपको यह यंत्र स्वयं निर्माण करना होगा, और इसे हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकले अपनी जेब में, अपने पर्स में डालकर ही हमेशा निकले। जी हां मित्रों, तो अब यही यंत्र कैसे बनेगा, इसे आप ध्यान से सुनिए। तो आपको हरे रंग का एक कागज लेना है, यह बुध ग्रह का प्रतीक होगा। हरण का एक कागज लेने के बाद आपको उस हरे रंग के कागज पर 4 चौखाने बनाने हैं, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। इसमें अंदर से आप क्रॉस कर देंगे तो 400 खाने बन जाएंगे। अब उन 4 चौहानों में आप 4 4 अंक लिख देंगे, यानी 4 अंक की संख्या 4 बार लिखेंगे, और 4 जो है वह राहु का प्रतीक है, यानी कि आपने बुध ग्रह को राहु के साथ मिला दिया है। हरे रंग के कागज के साथ 4 अंक के साथ राहु आपके साथ हमेशा आपके पास में आप कीजिए। मैं आपके मन मस्तिष्क में समाहित रहेंगे, तो आप जब भी घर से बाहर निकले इस कागज को अपनी जेब में रखकर ही बाहर निकले। अब एक और खास बात कि हर दिन, यानी कि दिन के समय 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जिसे हम राहु काल कहते हैं। अब वैसे तो राहु आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य, जरूरी कार्य आप इस राहु काल में कभी भी ना करें। लोग अक्सर हमसे प्रश्न करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें एक परेशानी आ गई है,
हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हमने किसी को पैसा दिया और वह पैसा हमारा, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि उन्होंने यह जो कार्य है जिसमें इन्हें आकस्मिक नुकसान हुआ, अचानक नुकसान हो गया, यह कार्य निश्चित तौर पर इन्होंने राहु काल में ही किया होगा। और जब हम उनसे फोन पर बात करते हैं, पूछती है कि तुमने यह काम किस समय पर किया था, दिन में तो भेज उस समय, बताते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह इस समय राहु काल में ही निकलता है, लेकिन लोग इन बातों को समझते नहीं है कि कितना ही किसी को समझा दो, लोग मानते नहीं हैं और फिर बाद में चोट खाते हैं। कोई कहता है कि आज हमें 855,000 का नुकसान हो गया, कोई कहता है कि हमें 875,000 का घाटा हुआ, गुरुजी हमने व्यापार करने के लिए किसी से पैसा उधार लिया था और हमारा व्यापार ही नहीं चला, क्योंकि पैसा जिस समय उधार लिया उस समय राहु काल था, जहां मित्रों राहु काल बहुत ही भयंकर होता है, खतरनाक होता है। इस साल को आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब राहु काल दिल में होता किस समय पर है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि दिन के समय 1.5 घंटे का समय जो होता है वह राहु काल का समय होता है। अब हर दिन का राहु काल अलग समय पर होता है, इसे भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि हर दिन राहु काल किस समय पर नहीं होता, अलग अलग समय पर होता है। अब वह अलग अलग समय आपको कैसे पता चलेगा, तो आप ज्योतिष कार्यक्रम की डिस्प्ले पर देखेंगे तो आपको एक चार्ट लगा मिलेगा। ये मित्रों, इस चार्ट में स्पष्ट तौर पर हमने बताया है कि राहु काल किस समय पर होता है, जैसे कि रविवार को शाम को सा, अभी 4 बजे से 6 बजे तक, सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक, और शुक्रवार को 10:30 बजे से 12 बजे तक, और शनिवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक का समय निश्चित होते हैं। 1.5 घंटे का प्रतिदिन का समय ऐसा है जो राहु काल होता है, भयंकर जूस काल कहा जाता है। इसे इस समय कोई भी जरूरी कार्य ना करें तो इस राहु काल की जो लिस्ट है इसे आप लोड कर लें, अपने पास रखने और अपनी जरूरी कार्य करते समय एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें, फिर आप कार्य करें। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो जानकारी आपको दी है इसे आप अपने जीवन में उतारें, 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे। हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, हमारे जीवन का पूरा अनुभव को इस ज्योतिष कार्यक्रम में दे दिया है। अब इसे आप कैसे प्रयोग करते हैं यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। याद रखें मित्रों कि हम किसी के जीवन को नहीं बता सकते, हम केवल उसे जीवन बदलने का रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तो उसी को होगा, मेहनत तो उसी की होगी, तो बदलाव भी उसी के जीवन में होंगे, जो कुछ भी नहीं करेगा, बस ज्ञान को लेकर चुपचाप बैठा रहेगा, उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। यह कड़वा सच है, आपको स्वीकार करना ही होगा। तो बिहार में तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे। अब भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो कोई परेशानी नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समय मिलने पर आपको जवाब निश्चित तौर पर देंगे ही। इसी के साथ कर मित्रों इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद आ चुका है, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय मां संतोषी, माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।